आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदार संघातल्या कोपरीपाक पकडी मतदार संघातले देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतात आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा मनापासून सगळ्यांचं सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। जो दो ढाई साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने सिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जा दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। अरे बाबा आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये ऐसा हमारे सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी, पहले तो अंतिम अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सर या लड़ाई से कैप्टन तुम्हें होता है? सर या लड़ाई से कैप्टन तुम्हें होता है? आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए अभी मैं कहता हूँ उनका ढाई साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया, इसलिए जो काम बोलता है और ढाई साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है, इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की, इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र के महिलाओं के लाडली बहन योजना जो है क्या ये बेनिफिट कर गया?